तो ये है दोस्तों हमारा स्टारशेप दिवाली डेकोरेशन लाइट, और जब ये ग्लो करता है तो दिखने में और भी ज्यादा सुंदर लगता है, और आप इस लाइट का यूज करके दिवाली में अपने घर को सजा सकते हो। हेलो दोस्तों, क्रिएटिव बर्ड आलू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों दिवाली बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो में कमाल का दिवाली डेकोरेशन लाइट बनाएंगे, और जब ये जलता है तो दिखने में एकदम ऑसम लगता है, और इसे बनाने में बहुत ही इजी है। इसे कैसे बनाते हैं मैंने वीडियो में पूरा दिखाया है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दिवाली डेकोरेशन लाइट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 8GB लाइट का यूज करूंगा, और जब ये 8GB लाइट ग्लो करता है तो दिखने में और भी ज्यादा सुंदर लगता है। मैं यहाँ पर 20 पीस 8GB लाइट का यूज करूंगा। आप चाहते हो तो यहाँ पर ज्यादा लाइट का भी यूज कर सकते हो, या फिर कम लाइट का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों फिर हमें कुछ कॉपर वायर चाहिए, और मैं यहाँ पर 3 मीटर लंबा कॉपर वायर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमें 8GB लाइट को कॉपर वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे 8GB लाइट का जो लेग है वो बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो। तो हमें इन 8.5GB लाइट के लेग को कट करना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली मैंने सभी एलईडी के लेग को कट करके छोटा कर दिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक रखा है बड़ा लेग और एक छोटा लेग। जब हम कनेक्शन करेंगे तो इससे हमें आसानी होगा, जो बड़ा लेग है वो है प्लस और जो छोटा लेग है वो है माइनस, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही करके सभी 8GB लाइट के लेग को छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। अभी हमें कॉपर वायर के साथ 8GB लाइट को कनेक्ट कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कॉपर वायर के साथ एक 8GB लाइट को कनेक्ट कर दिया है। हमें ऐसे ही करके पूरे वायर में 8GB लाइट को कनेक्ट करना है, ठीक है। दोस्तों फाइनली मैंने सभी 8GB लाइट को कॉपर वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और मैंने सभी 8GB लाइट को कुछ ऐसे कनेक्ट किया है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल 8.5GB लाइट को कॉपर वायर के साथ ऐसे ही कनेक्ट करना है। और मैंने सभी 8GB लाइट को पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी कि सभी 8GB लाइट का माइनस एक साथ कनेक्ट किया है और सभी 8GB लाइट का प्लस एक साथ कनेक्ट किया है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन करना है। और अभी हमारे एक 8GB लाइट का चेन तैयार हो चुका है, लेकिन दोस्तों हम 8GB लाइट को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें 8GB लाइट के ऊपर एक डिजाइन करना पड़ेगा। दोस्तों 8GB लाइट के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टार शेप का एक डाइस बनाया है, और इस डाइस को बनाना बहुत ही ईजी है, आप इसको बहुत ही आसानी से बना लोगे। और आप यहाँ पर स्क्वायर, सर्किल या फिर कुछ भी शेप का आपको जो अच्छा लगे उसका डाइस बना सकते हो, ठीक है। और इस डाइस को मैंने जो टिन प्लेट होता है ना उसका यूज करके बनाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्टार का ड्रॉइंग किया है, फिर इसके ऊपर जो टीन प्लेट है उसको ग्लू से चिपका दिया, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम 8GB लाइट के ऊपर डिजाइन करेंगे। 8GB लाइट के ऊपर स्टार शेप का डिजाइन करने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्लू गन चाहिए, और इस ग्लू गन का यूज करके इसका जो ग्लू है मैं स्टार शेप के अंदर डाल दूंगा, फिर इसके ऊपर 8GB लाइट को चिपका दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम अगर ऐसे ही ग्लू चिपका के 8GB लाइट को यहाँ पर चिपका देंगे तो हमारा 8GB लाइट पूरा यहीं पर ही फिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, और इस ऑयल का यूज करके हमें स्टार शेप के अंदर पूरा ऑयलिंग करना पड़ेगा। फिर जब हम 8GB लाइट को यहाँ पर ग्लू से चिपकाएंगे तो हमारा 8GB लाइट बहुत ही आसानी से इसके अंदर से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से ऑयलिंग करके आपको दिखाता हूँ। डाइस के अंदर ऑयलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर कान खोजाने का जो स्टिक होता है उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इस स्टिक का यूज करके मैं स्टार शेप के अंदर पूरा ऑयलिंग कर दूंगा। दोस्तों अभी ग्लू पूरा सूख गया है, तो अभी हमें 8GB लाइट को इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें बस इसको खींचना पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये स्टार शेप यहाँ से निकल गया, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयलिंग किया था, इसकी वजह से बहुत ही अच्छे से निकल गया है, ठीक है।
तो हमें बस इसी प्रोसेस का यूज करके 8.5 GB लाइट के ऊपर स्टार चिप का डिजाइन करना है, ठीक है। फाइनली दोस्तों मैंने सभी RGB लाइट के अंदर ग्लू चिपका दिया है और आप देख सकते हो ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो RGB लाइट के अंदर स्टार शेप बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये अभी हमारा LED लाइट वाटरप्रूफ हो चुका है, तो जब इसमें पानी लगेगा तो हमारे LED लाइट में कुछ भी नहीं होगा, तो ये एक हमारा फायदा होगा है। और इसमें स्टार शेप आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आप बताते हैं हम इन RGB लाइट को कैसे चलाएं। दोस्तों आप इन RGB लाइट को जो 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी है ना उससे भी चला सकते हो, लेकिन इस एक लिथियम बैटरी से हमारा बैकअप बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक पावर बैंक का यूज करूंगा। और ये पावर बैंक मैंने ही बनाया था, आपने अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये 10,000 mAh का पावर बैंक है और अगर हम इससे चलाएंगे RGB लाइट को तो इसका बैकअप बहुत ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोस्तों हम RGB लाइट को पावर बैंक से डायरेक्ट नहीं चला सकते, इसलिए हमें चाहिए कि USB केबल। तो हमें USB केबल का वायर और RGB लाइट का वायर एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से इन दोनों का वायर एक साथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने RGB लाइट और USB का वायर एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अभी हमारा दिवाली डेकोरेशन लाइट पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अभी इसे चेक करते हैं। सो ये दोस्तों हमारा 10,000 mAh का पावर बैंक। तो सबसे पहले हम पावर बैंक का चार्ज चेक करते हैं, इसके अंदर कितना चार्ज है। सो दोस्तों अभी हमारे पावर बैंक में 95% चार्ज है, तो इससे हमारा RGB लाइट बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। तो चलिए अब इसको अंदर डालते हैं इस केबल को। दोस्तों अब अभी आप देख सकते हो हमारा RGB लाइट कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है, आप इसका कलर देख ही सकते हो। इसके अंदर जो स्टार शेप है वो बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है, और अभी हमारा RGB लाइट आप देख ही सकते हो वीडियो में, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप अगर इसे घर में बनाओगे तो दिखने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे तो ये दिवाली डेकोरेशन लाइट बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए अब स्टूडियो का लाइट ऑफ करते हैं। तो दोस्तों मैंने स्टूडियो का लाइट ऑफ कर दिया और अभी आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, इसका ब्राइटनेस आप देख सकते हो, और ये बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो आप इसे घर पे जरूर बनाना, ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मुझे तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।